तो दोस्तों ये बंदा अपने प्राइवेट प्लेन में सो रहा होता है और जैसे ये बंदा सोकर उठता है इसको प्लेन में कुछ अजीब लगने लगता है और फिर ये बंदा प्लेन में कुछ कमांड्स दे रहा होता है जिसका कोई भी रिस्पांस इसको नहीं मिलता और फिर ये बंदा देखता है कि प्लेन का सारा सामान इधर से उधर हो गया है और फिर इसका पैर एक बोतल के ऊपर आ जाता है और ये नीचे गिर जाता है और फिर इस बंदे को खून दिखता है और एक एयर होस्टेस की लाश भी दिखती है जिसको देखकर ये बंदा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और ये बंदा समझ जाता है कि ये हाईजैक हो चुका है और फिर ये बंदा पायलट से बात करने की कोशिश करता है लेकिन पायलट से भी इसको कोई जवाब नहीं मिलता। ये बंदा बहुत देर तक चिल्ला चिल्लाकर पायलट को आवाज लगाता है और उसका गेट तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो पायलट वाले कैबिनेट में जा सके, पर ये ऐसा नहीं कर पाता और फिर अचानक से मौसम खराब हो जाता है और प्लेन टेढ़ा मेढ़ा होने लग जाता है। लेकिन दोस्तों ये बंदा भी हार नहीं मानता और पायलट वाले कैबिनेट में जाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। ये पायलट वाला गेट तोड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन फिर भी ये नाकाम हो जाता है और दोस्तों ये बंदा समझ जाता है कि इस प्लेन में पायलट नहीं है और आगे इसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि ये प्लेन बिना पायलट के उड़ रहा है। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।